अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आफाक आज़म एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आफाक आज़म ऑफिशियल। तो व्यूवर्स, आज के इस टॉपिक में हम प्रेपोजिशन थ्रू की बात करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास प्रेपोजिशन है, ये कॉमनली यूज़ तो नहीं होता, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही अहम है, और बाज़ औक़ात इसमें हमारे पास MCQs भी आ जाती हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सेंटेंस को किस तरह, सेंटेंस में किस तरह थ्रू को यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली इसके टू रूल्स आ जाते हैं। तो एक है हमारे पास कि जब हमें कोई वर्ड कमिंग और गोइंग बाय वे ऑफ की सेंस देगा तो उसके लिए हम थ्रू यूज़ करेंगे, और इसी तरह जब हमारे पास कोई वर्ड जो आएगा जिसको हम प्लेस करेंगे बाय मीन्स ऑफ से, उसके लिए भी हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे थ्रू। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फर्स्ट रूल को, जिसमें हमें कमिंग और गोइंग बाय वे ऑफ की सेंस दी जाती है। तो इसमें मैंने लिखा है, इफ़ वी वांट टू डोनेट कमिंग और गोइंग बाय वे ऑफ। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि किसी चीज़ के ज़रिए, किसी वे के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए हम जो सफ़र करते हैं, आते हैं या जाते हैं, तो उसके लिए जब हमें कोई सेंस दी जाएगी तो उसके लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो आएगा हमारे पास थ्रू। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे भी आते हैं। तो इसमें हमारे पास है, ही जम्प्ड थ्रू विंडो। उसने किस चीज़ के ज़रिए छलांग लगाई? अब विंडो के ज़रिए तो छलांग लगाई, बेसिकली वो बाहर जाना चाह रहा है। कमिंग और गोइंग, तो वो बेसिकली गो करना चाह रहा है, यहाँ से बाहर जाना चाह रहा है, तो इसीलिए उसने विंडो का यूज़ किया और बाहर चला गया। इसीलिए जो हमने प्रेपोजिशन यूज़ किया है थ्रू यूज़ किया है। इसी तरह आई एम कमिंग, के मैं आ रहा हूँ थ्रू डोर। इस वर्ड में कि मैं किस चीज़ के ज़रिए अंदर आ रहा हूँ, कि मैं अंदर आना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन यूज़ हुआ थ्रू। इसी तरह इसका जो हमारे पास सेकेंड रूल आ जाता है, वी यूज थ्रू प्रेपोजिशन एट प्लेस बाय मीन्स ऑफ, के जब हम बाय मीन्स ऑफ को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आई अप्लाइड फॉर मोनेटाइजेशन थ्रू यूट्यूब स्टूडियो। बाय मीन्स ऑफ का मतलब ये है कि किस चीज़ के ज़रिए। अब मैं एक चैनल जो है जिसमें मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसको मोनेटाइज करने के लिए साफ ज़ाहिर है मुझे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि मैं किसी चीज़ पे अप्लाई करूँगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो इस चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए मैंने यूज़ किया है यूट्यूब स्टूडियो का, जो कि यूट्यूब स्टूडियो इस सेंस में हमें, इस सेंटेंस में हमें सेंस दे रहा है बाय मीन्स ऑफ की सेंस दे रहा है। तो इसीलिए जो हमने प्रेपोजिशन अपना इधर यूज़ किया है, प्रेपोजिशन यूज़ किया है थ्रू। इससे आपको समझ आ गई होगी कि थ्रू जो हमारे पास प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है उसको किस तरह सेंटेंस में यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।